अल एचक्यू लाइन जो है ये चिता कैंप के अनुशक्ति नगर का इलाका है जहाँ से नवाब मलिक दिग्गज नेता है। पिछले 5 साल में नवाब मलिक ने यहाँ क्या काम किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमारी गली बनती नहीं, वो मेन बड़ी गली बनती है और ये गली बनती नहीं। क्या बोल रहे हो तुम, इतना कितना चिड़े, किससे चिड़े हो? जितना भी नेता है सबसे चिड़ा हूँ। क्यों खाई गई? तो फिर जब नेता लोग आते हैं वोट दो बोलते है। तुम वोट दिए थे ना? क्यों नहीं दिए? ये गली दिख रहा, ये मैं मेरा खुद का पैसा लगा के ये गली बनाया, दिख रहा इधर से कबर लेके जा सकते हैं। नवाब मलिक ने कितना काम किया? कुछ नहीं। आपने कभी यहाँ पर आए हैं? नवाब मलिक कभी यहाँ पे आए? इधर कोई नहीं आया भाई, जितना भी नेता है कोई भी रहने दो। आपने कभी कंप्लेन की क्या जाकर के? ऐसा हजार बार। नवाब मलिक आने दो, उनका बेटी आने दो। अभी लगता है आपको नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक उनको जिताना? नहीं, सना मलिक का भाई, सना मलिक की बात ही मत करो, क्योंकि सना मलिक तो कोई बात मतलब वो तो उन तो सीधा बोलते हैं, बोले हम तुमको पहचानते नहीं, तो हम भी तुम्हारे बाप को पहचानते, हम भी तुमको नहीं पहचानते, बस सीधी बात। लेकिन अभी तो नवाब मलिक जो है वो शिवाजीनगर मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा से यही सारे नशे की बात करे, नशा खत्म कर दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, ये सारी चीज़ों को दावा कर। नगर की तो बात छोड़ो, नवाब मलिक इधर से नहीं आएंगे, चिता कैंप से ही नहीं आएंगे जो है। ये तो बिल्कुल काम नहीं, 5 साल से तो हमारे गली की तरफ कोई भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं। आप आखिरी बार कब देखे थे? मेरे को तो याद भी नहीं मैं कब देखी। नवाब मलिक कैसे दिखते पता है? हाँ पता है, मगर हाँ देखे हैं, मगर आखिरी बार कब देखे थे? अब मैं नहीं देखी, कितने साल से मैं उनको नहीं देखी हूँ। कांग्रेस में क्या पोस्ट है आपकी? कांग्रेस से कार्यकर्ता अध्यक्ष है उसमें, इसलिए आप कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं? तो आपकी नज़र में नवाब मलिक ठीक नहीं होंगे? नवाब मलिक जब कांग्रेस में थे बहुत ठीक थे, मगर अभी जो आपकी पार्टी छोड़े खराब हो गई? नहीं, 5 साल से जो जीते उन्होंने हमारे इधर आकर कुछ काम नहीं किए। झोपड़े टूट के 5 साल हो गए, हमारी गली बनी नहीं है। मेरा बच्चा गिर के इसमें पैरालाइज हो गया था। मैं खड़ा हूँ अनुशक्ति नगर विधानसभा में और एचयू लाइन के बीच में, यानी कि यहाँ पर अलग अलग दावेदार है, एमएलए इलेक्शन चालू है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो है अपने अपने रंग में रंगी हुई है। फिलहाल एचक्यू लाइन जो है ये चिता कैंप के अनुशक्ति नगर का इलाका है जहां से नवाब मलिक दिग्गज नेता है और इस बार नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, जो कि अजीत पवार गुट से यहां पर एमएलए की दावेदारी कर रहे हैं, और यहां पर स्थानिक लोगों से जानने के लिए मैं पहुंचा हूं कि किस तरीके की जो है पिछले जो 5 साल गुजरे हैं किस तरीके का यहां पर जो है काम हुआ है और यहां के लोग कितने खुश हैं नवाब मलिक के पिछले 5 सालों के कामों में, क्योंकि इस बार इसी क्षेत्र से जो है सना मलिक जो है दावेदारी कर रही है कि लोगों से एक्सपेक्टेशंस कर रही है कि वो उन्हें भारी मतों से जिता करके लाए। तो क्या कुछ जो है नवाब मलिक ने यहाँ पे काम किया? आप यहीं रहते हैं क्या, स्थानीय है? हाँ, मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं कम से कम 20-22 साल से यहाँ पे रह रही हूँ। गली बोलते अभी क्या बोल रहे हैं उन्होंने कि लाइटर क्यों नहीं डाले, जब गली बनाने के लिए नापने आए, गली 4 बार नाप के लेके गए जो है, क्या हम लोग पूछे क्यों नाप रहे हो, तो बोले गली बनाना है। आप चीता कैंप में कितने साल से रहते? मैं 20-22 साल से रह रही हूँ, 22 साल हो गया रहते हुए, लेकिन 5 साल से गली बनी नहीं है हम लोग की, 5-6 साल हो गया हम लोग की गली बनाए नहीं। वजह क्या है गली नहीं बनी? कि ये गली बड़ी है, इसमें ज्यादा जो है लगेगा वो सामान लगेगा, वो तो गवर्नमेंट के तो, लेकिन तो अप्रूवल गवर्नमेंट देगी। कम खाने को मिलेगा ना यहाँ से, कम खाने को मिलेगा। किसको कम खाने मिलेगा? अरे जो फन वाले हैं, जो फन जो खाते हैं फन। तो यहाँ पर कौन एमएलए रह चुके पहले? ये सना मलिक के बाप जो है, ये नवाब मलिक है यहाँ पे जो एमएलए हैं, और गली को नाप के लेके गए, तो बनाना चाहिए ना भाई। आप नवाब मलिक को लास्ट बार कब देखे थे आपके लगा? हम लोग तो बहुत पहले जब वोट लेने आए थे, अगले साल 5 साल पहले जब ही आए थे, जब से अभी तक नहीं आए। साना मलिक भी आते हैं लेकिन ये गली में कभी नहीं आते, क्यों ये गली बनाए नहीं, ये गली वाले पकड़ लेंगे बोल के इधर नहीं आते हैं। तो सना मलिक और नवाब मलिक, अगर नवाब मलिक जिस तरीके से आप बता रहे कि आपने पहले कभी देखा नहीं, आप सना मलिक इसकी दावेदारी कर रही है, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन कर रही है कि आप उन्हें जिता के दे, तो आपके जो स्थानीय लोग हैं कैसा उनके लिए रवैया रहेगा? क्या हमारे यहाँ उनको कोई वोट नहीं देगा यहाँ, तो उनको उम्मीद रखना बेकार है उनकी। क्यों, वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है, लोगों को अगले साल वोट लिए, लोगों को बोले जो खाड़ी में घर बना है वो घर हम लोग बना के देंगे तुम लोग को, ये जो है दे के जो है बेवकूफ़ी करके जो है सब दिए उनको वोट, अब दोबारा कोई ऐसी बेवकूफी कोई तो जब आपने उन्होंने कहा कि हम बना करके देंगे, उसके बाद से कभी कुछ आए कुछ उसकी कुछ बात नहीं हुई? कुछ नहीं, सब खूब दौड़ाए लोगों को लेके, डॉक्यूमेंट लेके सब आओ आओ बार बार बेचारे सब घर और जाएंगे बोल के। क्या बोले आप? 1.5 महीना पहले आए थे, 3-3 घर और जाएंगे बोल के गए।
डेढ़ महीना पहले आए थे, तीन तीन घर और टूटेगा इधर से बोल के गए ले। जो तीन घर टूटेंगे उनको शिफ्टिंग, उनके लिए अगर जिनके पास जो प्रूफ रहेगा उनको घर मिलेगा बोल के गए ले। जो प्रूफ रहेगा, जो प्रूफ आपके पास रहेगा वो प्रूफ के हिसाब से तुमको घर मिलेगा। वो बोल के गए ले, वो भी डेढ़ महीने पहले की बात। क्या लगता है आपको, नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक, उनको जिताना चाहिए? नहीं, सना मलिक का भाई, सना मलिक की बात ही मत करो, क्योंकि सना मलिक तो कोई बात मतलब वो तो सीधा बोलती है, बोले हम तुमको पहचानते नहीं, तो हम भी तुम्हारे बाप को पहचानते, हम भी तुमको नहीं पहचानते, बस सीधी बात। हम भी नवाब भाई को पहचानते, आपको तो पहचानते नहीं, सीधी बात। आप जैसा बोलते हैं कि हमको नहीं पहचानते, तो हम तुमको कैसे पहचानेंगे फिर? तो मुझे आप एक बताइए कि ये मुस्लिम समुदाय, क्या मुस्लिम सपोर्ट मतलब मुस्लिम वोटर्स जो है क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? देखो भाई, मैं क्या बोलता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि मुस्लिम है, हिंदू है, सुनो मैं क्या बोलता हूँ, हम सब है यहाँ पर, सब एक जैसे है। क्या ये जरूरी नहीं कि ये जात बिरात मतलब लेके आगे मतलब हम इसको सपोर्ट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लिए काम करेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ऐसे कोई पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, काम करने वाले लोग, काम करने वाला चाहिए बस, जो काम करने वाला इधर आएगा उसको हम वोट देंगे। अच्छा, यहाँ पे और स्थानिक लोग हैं, मैं बात करूँगा कि ये आपको नवाब मलिक से क्या शिकायत है कि इतने पाँच सालों में कितने काम किया आपके इलाके में? किए भाई, वो बात चले, अभी तो बिल्कुल काम नहीं, पाँच साल से तो हमारे गली की तरफ कोई भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं। आप आखिरी बार कब देखे थे? मेरे को तो याद भी नहीं मैं कब देखी। नवाब मलिक कैसे दिखते पता है? हाँ पता है, मगर हाँ देखी हूँ, मगर आखिरी बार कब देखे थे? अब मैं नहीं देखी हूँ, कितने साल से मैं उनको नहीं देखी हूँ। कोई शिकायत है आपको नवाब मलिक से या उनकी जो बेटी है सना मलिक? शिकायत तो यही है नाले की, पब्लिक की यही है परेशानी, और क्या है यहाँ पे भी आना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके है? अपन बोले तो वो लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारे तरफ से हम लोगों को कंप्लेंट नहीं आया, इसलिए आपका कंप्लेंट की क्या जरूरत है? आपने जिता के दिया, आपका काम है विजिट करके, क्यों जरूरत है? सब गली बोलने सब लोग को कंप्लेंट लेके आप कर देते क्या? नहीं है ना, हम लोग का भी गली ऐसे ही करने का, क्यों जा रहे आप? हम लोग कॉन्ट्रेक्ट वाले को पूछा तो नहीं नहीं तुम्हारा गली का कंप्लेंट ही नहीं आया, उधर क्या आया है, बस उधर ही करके हम जाएंगे ऐसा बोल रहे। फिर घर का बनाने को तो नहीं बोले ना, जितना तोड़े उतना को नहीं बोले ना। आपने कभी कोई कंप्लेंट दिया क्या? हमारे कंप्लेंट नहीं गया, लेकिन हम कंप्लेंट, अच्छा लेकिन कंप्लेन की करने की जरूरत मुझे क्या लगता है, जिसको आपने चुन के दिया कि आपने इसलिए चुन करके दिया कि वो आपका काम करे, तो जो भी जिनको आपने चुन करके दिया है उसको आके खुद चीजें समझनी चाहिए कि कंप्लेन करना जरूरी है। वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? फिर हम लोग के पास लेने के मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, हम लोग को करने के लिए हमको बुला रहे उधर, कह के ले बोल के ही तुम लोग ले रहे ना आप लोग, और तो आप लोग बोलते हैं हम लोग करके देंगे करके, हम लोग और दे देते, फिर आप लोग बोलेंगे तुम लोग नहीं आए, ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छा नवाब मलिक ने कितना काम किया इस इलाके में पाँच साल? उससे मेरे को पता नहीं, हम लोग ध्यान रहते, तो एक बार आए वोट मांगने के लिए, किधर उधर आए रोड पे, जब भी देखे होता है उसके बाद हम लोग नहीं। और आपने कभी देखा इधर? नहीं आए। तो ये HQ लाइन है, मतलब यहाँ दो, एक चौल में मैं हूँ और डी सेक्टर के इलाके में हूँ, ई सेक्टर के इलाके में हूँ मैं। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हालांकि इस इलाके से जिस तरीके से नवाब मलिक पहले भी हुए थे MLA इलेक्शन में, इस बार सना मलिक को भी आप लोग किसी तरीके से जिताएंगे? अरे अभी हमको कोई भी नेता जीते, मगर हमारा जो काम है, जो प्रोसेस उनको करना चाहिए, वो काम इधर होता ही नहीं है। हमको कांग्रेस को ही जिताना था, क्यों? उसकी वजह है, कांग्रेस जीतने से पहले कांग्रेस जीती थी तब तक का बच्चा। आप कांग्रेस के सपोर्टर है? हाँ कांग्रेस के सपोर्टर है। क्या पोस्ट रखते हैं आप? पोस्ट कांग्रेस में क्या पोस्ट है आपकी? कांग्रेस से कार्यकर्ता है, अध्यक्ष है उसमें हमारे, इसलिए आप कांग्रेस से सपोर्ट करते हैं। हाँ तो आपके नजर में नवाब मलिक ठीक नहीं होंगे? नवाब मलिक जब कांग्रेस में थे बहुत ठीक थे, मगर अभी जो आपकी पार्टी छोड़े खराब हो गए? नहीं, पाँच साल से जो जीते उन्होंने हमारे इधर आकर कुछ काम नहीं किए, और उन्होंने बहुत जगह बहुत सारी सुविधाएं दी है, कहीं कहीं अगर हमारे यहाँ नहीं किया, हम लोग ने एप्लीकेशन भी डाले नहीं पूरा किए, और बाकी की सारी बातें तो ये है कि बाथरूम के कनेक्शन जो है गलियों के अंदर है, इसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, तो इधर गली बनाने अभी तक नहीं आए, पाँच साल के ऊपर हो गया है गली बनाने नहीं आए। आप कितने साल से रहते हैं इधर? हम लोग तो कम से कम 20 साल से हो गया, 20-25 साल। तो क्या समस्या, क्या तकलीफ है इधर? तो एक तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है, प्लस गटर वगैरह बराबर नहीं है, पानी भी बराबर नहीं जाता है, कभी हम लोग इधर कंप्लेंट वगैरह देंगे तो आते हैं, नहीं तो कभी नहीं आता। बारिश के एक टाइम पहले इधर आके जिसे साफ सफाई करते उसके पहले नहीं आते, इधर मच्छर विच्छर बहुत आता है, और बाथरूम का पानी पूरा इसी लाइन में कनेक्टेड है, और देखने जाएंगे तो ये भी पानी अपना गटर का पानी ना, पीने का नल भी उसी लाइन में कनेक्टेड है, हम लोग को पानी नहीं मिलता, अभी 4-5 दिन से नल बंद है तभी हम लोग को पानी मिलता, नहीं तो पानी भी नहीं मिलता हम लोग इधर, सही बोलने जाएंगे तो। आपके इलाके से भी तो नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, क्या आप चुन के देंगे? देखो वोट देंगे, काम करते हैं उनको हम लोग वोट देने के लिए रेडी। सना मलिक के डैडी ने काम किया है?
मतलब नवाब मलिक ने काम किया है तो इधर हमारे गली के लिए तो कुछ कोई नहीं आया। हम लोग तो इतना तो मैं बोल सकती है और मैं तो देखो हम लोग सच इंसान जो काम करेंगे सही इंसान इधर तो हमारे जो काम करेगा आप उसको वोट देंगे। तो पिछले 5 साल में काम हुआ क्या? नवाब मलिक यहाँ के MLA थे, काम हुआ क्या? अभी हमारे इस साइड में तो आए नहीं है, हम लोग तो बोल भी नहीं सकते। मतलब काम नहीं हुआ, यही आपका बोलने का मतलब है कि काम नहीं हुआ? हाँ यही बोल, हम लोग तो उधर आएंगे तो हम लोग बोलेंगे ना। क्या क्या बोल रहे हैं आप? झोपड़े झोपड़े, मेरा नाम रशीदा है। झोपड़े टूट के 5 साल हो गया, हमारी गली बनी नहीं है। मेरा मेरा बच्चा गिर के इसमें पैरालाइज हो गया था, मेरे बच्चे का राजू भाई ने इलाज करे थे। और ये गटर का जो जो बाथरूम का पानी है ये वो साइड मोड़े थे, ये वापस ये साइड मुड़ गया। तो हम लोग को तकलीफ होती है ना सर, हम लोग भी तो इंसान है, कीड़े मकोड़े थोड़ी ना है। मैं तो कम से कम 20-25 के ऊपर हो गया मेरे को ये इस गए। नवाब मलिक को तो बाप रे हो गया काफी साल बीत के नहीं। क्या इस बार सना मलिक खड़ी है? नवाब मलिक की जो बेटी है सना मलिक यहाँ पे खड़ी हुई है इलेक्शन में, क्या यहाँ के लोग चुन के देंगे? देखो सर मैं इतना ही बोलूंगी, जो हम लोग के लिए काम करेगा हम उनके लिए वोट देंगे। वही तो पूछ रहा हूँ कि क्या काम हुआ पिछले 5 साल में? आप बता रहे हैं कि जो काम करके दिया उसको चुनेंगे, तो क्या नवाब मलिक ने काम किए हैं इस इलाके में जो आप सना मलिक को? हमारी गली में नहीं किए सर, नहीं किए। जो हम लोगों से सना मलिक ने वादा करी थी कि 3 दिन में तुम्हारी गली में आएंगे, तुम्हारी गली का भी काम कराएंगे, पर वो नहीं आई। नहीं हुआ वो, आई भी नहीं वो, और ये गली में काम भी चालू नहीं। हम लोगों के वोट देखिए, आप देखिए हम लोग किस तरह से रहते हैं, आप वो देखिए, ये देखिए हम लोग के वोट, ये देखिए हम लोग किस तरह से जिंदगी गुजारते हैं। हाँ अच्छा लगता है क्या सर हम लोग को? ऐसा कचरे में रहते हैं हम लोग तो। ये चीता कैंप का सी सेक्टर इलाका है, HQ लाइन है ये। आप लोग भी आप भी यहीं रहते हैं क्या? ये वाला घर है आपका, क्या बोलते हैं अभी आप जैसे जैसे हिसाब से आप? नहीं नवाब भाई ने हर एक गली बनाए पर ये गली नहीं बनाए, 4 साल हो गए गली अभी तक बनाई नहीं है। ये वाली गली 4 साल से नहीं बनी? हाँ ना, गटर बस बारिश में वो लेके आए थे लोग साफ करने के लिए, तो अभी तक इसके बाद। नवाब मलिक ने इस इलाके में काम किया है क्या? हाँ सना मलिक तो करती थी ये गली में, हर जगह करके आई। ये काम तो बता रहे 4 साल से नहीं हुआ, तो फिर कैसे काम करी? ये गली में नहीं करे ना, हर जगह करके आए लोग ने, क्या मालूम ये गली में क्या दुश्मनी। नवाब मलिक ने कितना काम किया पिछले 5 साल में? वो नहीं मालूम सना मलिक ने। क्या बोल रहे आप? कुछ नहीं, खाली डंपिंग से। नवाब मलिक ने इस इलाके में कितना काम किया पिछले 5 साल में? खाली कचरा साफ हुआ पीछे खाड़ी का, बस उतना ही हुआ, और कौन सा विकास हुआ? नवाब मलिक तो फिर शिवाजी नगर नहीं, मुझे आप बताइए कि 5 साल में नवाब मलिक ने कितना काम किया? वही बोलो ना, एक बार यही GCB बुला के एक बार, वो भी हम लोग लाइट रोड है, सड़क है, नाले है, एजुकेशन है, नशे की बात है, कितना काम? हमारे तरफ तो नहीं हुआ है काम, जो है हमारे तरफ बिल्कुल काम हुआ ही नहीं। नशा कैसा? नशा के बारे में कुछ बोलते ही नहीं वो लोग, अगर जो चाहे तो नशा बंद करवा सकते हैं, वो MLA हैं, अगर चाहे तो नशा बंद करवा। डेवलपमेंट की कितनी डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ है कुछ भी। लेकिन अभी तो नवाब मलिक जो है वो शिवाजीनगर मानकुट शिवाजीनगर विधानसभा से यही सारे नशे की बात करेंगे, नशा खत्म कर दूंगा, डेवलपमेंट कर दूंगा, मैं हॉस्पिटल बना दूंगा, ये सारी चीजों को दावा कर। नगर की तो बात छोड़ो, नवाब मलिक इधर से नहीं आएंगे, चीता कैंप से ही नहीं आएंगे, जो है कितना भी घूम ले सना मलिक, लेकिन आने वाले नहीं है यहाँ से, चीता कैंप से तो नहीं आने वाले, वो यहाँ खड़े भी नहीं है, शिवाजीनगर से सना मलिक यहाँ से खड़ी है ना, लेकिन नहीं आएंगे। क्या लगता है आपको मुस्लिम समुदाय के लोग जहाँ पे जो नाराज है, या बहुत सारे लोग सभी लोग नाराज है, तो क्या लोग अजीत जैसे अजीत पवार जो है वो शामिल है BJP के साथ में, तो क्या यहाँ के लोग सपोर्ट करेंगे सना मलिक को? देखो हम लोग वोट देते हैं तो हिंदू और मुस्लिम नहीं देखते हैं, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं काम कौन कितना कर रहा है, काम देख के वोट देते हैं, और जब काम हुआ ही नहीं है, और पिछले 5 साल पहले जो जीते थे नवाब मलिक भाई तो उन्होंने ये वादा किया था कि जिसका घर टूटा हम सबको घर दिलाएंगे। आपको मैं भी बताती हूँ, उधर पे आप वो गली में आते तो एक जन हैं, वो बेचारे बहुत परेशान थे, उनका भी घर टूटा था 5 साल पहले, मतलब 7 साल पहले, बहुत दौड़े उनके साथ में, बहुत दौड़े, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अभी थोड़े और जो लोग हैं यहाँ के उनसे बात करेंगे कि कौन कौन लोग हैं। फिर बीच में आए थे, फिर ये डराए कि 3 दिन घर जाने वाला है फिर से, और तुम लोग अगर हमको सपोर्ट करेंगे जो है तो जो है तुम लोग को घर हम दिलाएंगे, फिर से चूरन दे रहे हैं घर बनाने का। क्या बोल रहे हैं आप खाला? मैं बताती हूँ, जिंदगी में हमारी गली नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? अब बनाते ही नहीं है नेता, वोट नहीं डालते। बहुत जने बोले, बोल के थक गए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? मेरा जब घर था ना इधर स्टर में आया था, मैं बात किया, बोलते हैं केस करो। कौन बोलता है? नवाब भाई बोले। आपको बोले? मेरे को बोले। और जो सास आपने केस किया?
किसका ऊपर केस करेंगे? नवाब मलिक की, वो तो खुद ही बोले थे। हाँ, तक वो पड़ोस वाले के ऊपर बोले हैं। अच्छा। उनका जिन्होंने तोड़ा है उसको नवाब भाई ने बोले। हमारा जो घर तोड़ा ना उसके लिए हम बात किए थे। अरे वो तो नेता थे, आपने चुन के तो अभी मदद क्यों नहीं किया? वो नहीं किया बोलते, पड़ोस वाले का है, क्या बोलेंगे? कहाँ रहते हैं आप? मैं यही बाजू में ही रहता हूँ, वो हो गया मेरे को 2004 से रह रहा हूँ मैं। इस बार क्या करेंगे आप लोग? सना मलिक को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, सबके अपने अपने अलग अलग रुझान है। रुक जाओ खाला, आपसे मिलूंगा मैं तो। क्या नाम है आपका? मेरा सावित्री। सावित्री, साजा सावित्री जी, आप कितने सालों से यहाँ पे रहे? क्या आप यहीं पैदा हुए? हाँ, यहीं पैदा हुई मैं, मतलब बचपन से इधर ही पैदा हुए। शादी भी हो गई? शादी भी हो गई। अच्छा, तो अभी मुझे बताइए कि कैसा क्या यहाँ पर जो लोग रहते हैं, आप इतने सालों से हैं, तो कितना डेवलपमेंट आपके इलाके में यहाँ पे नवाब मलिक ने किया है? कुछ नहीं किए, खाली क्या गली बनाने के लिए बोले, गली भी नहीं बनाए उनने। कितना 6-7 साल हो गया है गली बना के, अभी तक कुछ भी हाथ भी नहीं। वो तो सिर्फ 5 ही साल। हाँ, बस उतना ही, मेरे को मालूम नहीं। अभी मैं भाड़े पे आई हूँ इधर। पहले कहाँ रहते थे? पहले इधर ही बचपन तक एमएलए थे ना, लेकिन एमएलए तो आपके इलाके के है ना। अभी सना मलिक उनके जगह पे यहाँ पे लोगों से अपील कर रही है कि उनको जिता करके दे। क्या आपके लोग नहीं आए? वो अभी गली देखने के लिए भी नहीं आए। वो क्या है, कैसा है, कुछ बना क्या नहीं, इसके लिए आए नहीं वो गली के अंदर। गली बन जाती तो वोट देते थे। गली बनती तो वोट देते थे। वोट देते थे, अभी क्या करेंगे? अब तो गली नहीं बनी, क्या बताएंगे अभी, क्या बोलने का? सना मलिक जीतेगी आपके यहाँ से? आप जिता रहे हैं उसको कि नहीं जिता रहे? अभी वोट नहीं डालेंगे, पहले गली बनने दो, उसके बाद ही बता सकते। खाला बिरसा तो बात करते हुए चलो, क्या बोल रहे हो? देखो हमारी गली, हम लोग कितने साल से इधर, एक कितने साल से बने, हो गया 25-30 साल, लेकिन कभी कोई आको बनाया नहीं। नेता लोग क्या बोलते हैं, खाली वोट दो, हम लोग वोट देंगे, हम लोग आके बनाते, कभी नहीं बनाए हमारी गली। देखो लास्ट तक देखो, तो लास्ट तक देखो, गली का मैं वोट दूंगा, खाली वोट दो बोलते हैं, हाथ जोड़ते वोट लेते, गली नहीं बनाते। देखो कितनी लंबी गली है, कितनी गंदी गली है, देखो ना लास्ट तक, आगे कोई नहीं है, रेती है हमारे, देखो बंद है उधर का, देखो यहाँ तक का है, बनाते ही नहीं सर, ऐसा नहीं करने का ना सर। हाँ, हम लोग भी वोट डालते ना सर आप लोग को, ऐसा नहीं करने का ना सर। नवाब मलिक हमारा तो अभी तक कुछ करे ही नहीं। आप नवाब मलिक को पहचानते? देखे कब देखे थे? दो टाइम हमारे को हमारी ईद आई थी रमजान, रमजान में, ये रमजान नहीं, बहुत साल हो गया अभी। कितने साल हुए होंगे? हो गया सिंह 5-6 साल। बहुत तकलीफ होता है हम लोग को, ये हमारी गली कभी बनता ही नहीं है, हमारी गली कभी बनती ही नहीं है, बाकी सब जगह बनता है हमारी गली। हम क्यों नहीं बनाते आपकी गली? आपने वोट नहीं डाला था? वोट डालते ना, उसको डाले सबको डालते, जो सबको नहीं, एक वोट एक ही सर को डालते, एक वोट जो हाँ के हमको बोलते कि हम लोग करेंगे, नवाब मलिक को बोले हम लोग साथ देंगे, इसको बोले साथ, सब करते, मगर जब तक वो जीतने तक आते, जीतने के बाद नहीं, जीतने के बाद कोई नहीं आता, हमारी गली झांकता ही नहीं कोई भी। कितने साल से हम लोग ही पैसा निकालते हैं, हम लोग ही। आपके पैर में यही तो नहीं हुआ है? नहीं, एक्सीडेंट हुआ है, तो अभी जाने आने भी मुझे बहुत तकलीफ होता है। देखो वहाँ से पूरी गली हमारी बड़ी गली भी, यहाँ पे 25 साल हो गया मुझे यहाँ पे रह रहे। हाँ, तो पिछले 5 साल में नवाब मलिक ने यहाँ क्या काम किया? यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमारी गली बनती नहीं, वो मेन बड़ी गली बनती है और ये गली बनती नहीं। पहले सना मलिक थे, नवाब मलिक थे, फिर राजीव गांधी, कोई भी आया था ना, वो गली पूरी बनती है, ये कोने से स्टार्ट होता है। वो गली वाले बोलते कि हमारी गली नहीं बनी, ये बनी। अभी भी देखो फिलहाल वो लास्ट की गली बनी है, हमारी गली नहीं बनी, इधर से भी बनते आता है, ये दूसरी गली बनती है, ये गली में रुक जाता काम। बोले तो क्या बोलते, हम लोग टेंडर नहीं डाले, पास होएगा, तुम लोग फोटो खींच के भेजो, हम लोग कितने बार फोटो खींच के भेजे हमारी गली। अब बता रहे कि नवाब मलिक के टाइम में उन्होंने काम नहीं किया, अभी सना मलिक खड़ी है यहाँ से, क्या आपके लोग सपोर्ट करेंगे? हम लोग सपोर्ट करेंगे, अगर हमारे अच्छा होएगा तो हम लोग जरूर सपोर्ट करने तैयार है, हमको हमारा भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को भरोसा आना चाहिए कि इतने सालों में 25 साल से रह रही, मेरे बच्चे छोटे से बड़े हो गए, मगर आज तक हमको कुछ फायदा, जब भी हम लोग करें हमारे ऑर्गेनाइजेशन लेके हम लोग गली वाले पैसा जमा करके हम लोग गली बनाते, ये लादी बिछाओ या कुछ भी गटर साफ करो, कुछ भी करो ना, हम लोग ही करते, बाकी गली में कोई हाथ नहीं लगाता। सबसे जूने बोले तो रहवासी हम लोग ही यहाँ के, मगर कोई अभी तक हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिला। वाह, ये क्या बोल रहे, तुम इतना कितना चिड़े, किससे चिड़े हुए हो? जितना भी नेता है सबसे चिड़ा हूँ। क्यों, काई के लिए? तो फिर जब नेता लोग आते हैं वोट दो बोलते, तो तुम वोट दिए थे ना? क्यों नहीं दिए? नहीं दिए क्यों नहीं दिए? सब हम लोग उसके वोट देते ना, ये नवाब मलिक को वोट दिए, फिर एक बात वो उसका नाम क्या, नवाब मलिक का वोट दिए, नवाब मलिक क्या काम किए? नवाब मलिक पिछले 5 साल में नवाब मलिक क्या देख रहे तुमको? ये गली दिख रहा, ये मैं मेरा खुद का पैसा लगा के ये गली बनाया, दिख रहा इधर से कब्र लेके जा सकते हैं? हाँ, फिर
इधर से मैं ये घर से ये मेरा ये घर है मेरा, ये भी मेरा घर है, वो भी मेरा घर है, मेरा नाना नानी मरे हैं, इधर से मेरा कबर कैसा लेके हमको मालूम है। क्या नाम है? अब्दुल रहमान, शेख अब्दुल रहमान। मेरा नाना नानी मरे। नवाब मलिक ने कितना काम किया? पांच कुछ नहीं। आपने कभी यहाँ पर आए हैं देखने? नवाब मलिक कभी यहाँ पे आए? इधर कोई नहीं आया भाई, जितना भी नेता है कोई भी रहने दो, कोई भी नेता है गली के अंदर कभी घुसता नहीं। वो बड़ी गली के अंदर घुसता है सीधा जाके वो बड़ा बड़ा गटर बना के चलते थे। छोटी गली है, देखने का फैमिली कितना है। ये गली के अंदर कभी नहीं घुसते कोई भी, वो गली के अंदर घुसते। ये गली देखो, ये मेरा अपना खुद का पैसा लगा के पूरा मैं बनाया, इधर से लेकर वो बाहर तक बड़ा गटर। आपने कभी कंप्लेन की है क्या जाकर के? ऐसा हजार बार। अरे ये भाई ऐसा है, कोई मर गया कौन लेके जाएगा, किधर से कैसा लेके जाएगा? अभी नवाब मलिक बता रहे कि आपने काम नहीं किया। अभी सना मलिक उनकी बेटी खड़ी है, आने दो ना नवाब मलिक, आने दो उनका बेटी, आने दो अभी सानू भी खड़ा, वो भी आने दो, कोई भी आने दो, मैं कंप्लेंट करेंगे ना। अभी अभी इलेक्शन चल रहा है, 20 तारीख को इलेक्शन है ना। हाँ, और सना मलिक आपके इलाके से आने दो, एमएलए के लिए बात करता हूँ। अभी आप किसको वोट देना चाहेंगे इस बार, किसको? अभी कौन मैं हमारा गली का कौन काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा। वो तो पहले भी यही बोल के वोट करे होंगे ना कि अभी आपको हमको वोट दो, हम काम करें। नहीं, सब आते वोट दो बोलते। अब आप ठीक है, वोट देने के बाद क्या करते है? कोई आगे इंतजार ये नहीं करता भाई। वोट देने के बाद कौन क्या करता, भूल जाता गली भूल जाते कौन किधर से वोट दिया। आप मेरे को बताओ कि बड़ा गली बना रही है, इधर आके कोई भी नहीं बनाते, हम लोग पैसा डाल के हम लोग बनाते, इसमें क्या है? तो पीछे गली में गटर साफ करने के लिए पैसा लेते, आप बनाने के लिए पैसा डालते। उधर साफ करने के हम लोग पैसा देते ना, साफ करने के 20-20 रुपया लेते। एमसी के लोग नहीं आते यहाँ पे, इधर का कोई भी नहीं आते, इधर का कोई भी नहीं आते, हम लोग साफ करते हैं, मट्टी कचरा सब हम लोग उठाते, कोई भी नहीं आते। तो मैं ये चीता के मनुशक्ति नगर इलाके में खड़ा था और समस्या इतनी है कि शायद मैं अगर बात करता रहूँ तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सुनते सुनते जो है सवेरा हो जाएगा, सुबह हो जाएगी। तो इसी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ मैं। ये था यहाँ के स्थानिक लोगों का जायज़ा कि किस तरीके से पिछले 5 साल जो गुजरे हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा के, जहाँ पे नवाब मलिक यहाँ से एमएलए थे और अभी उन्हीं की जो बेटी है अजीत पवार गुट से जो है दावेदारी कर रही है कि यहाँ के लोग जो स्थानिक लोग हैं उनको सपोर्ट करें। लेकिन जो हालात जो बता रहे हैं कि क्या कुछ जो है रिज़ल्ट चुनाव के बाद आ सकता है। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़, चीता कैंप।